अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सोफिया मिर्ज़ा। समा के मेहमान ईद स्पेशल में खुश आमदीद। आज बड़ी ईद है, यानी बकरा ईद है, और नमकीन ईद तो सबकी बहुत स्पेशल होती है। बच्चे, बड़े, बूढ़े और ख़वातीन सबके लिए बहुत स्पेशल ईद है। अब जाहिर है पूरे 10-15 दिन अपनी मर्ज़ी का जानवर ढूंढ रहे होते हैं, फिर बच्चे उसके साथ दिल लगाते हैं, घुमाने लेके जाते हैं, फिर आती है ईद का दिन, फिर कसाई, और फिर जब बकरे की कुर्बानी होती है, मिक्स्ड इमोशंस, यू नो, और एक पूरा एंटरटेनमेंट का सिलसिला चल रहा होता है। घर में सारे मज़े कर रहे होते हैं और फिर अम्मियाँ जो उनसी हैं खाने मज़े मज़े के बना रही होती हैं। नाउ दिस इज़ द टाइम, समा के मेहमान देखिए। और आज बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म की टीम हमारे साथ मौजूद है, मैं आपको मिलवाऊँगी, लेकिन उससे पहले फिल्म का ट्रेलर देखिए। तो परहट लव का भी आपने ट्रेलर देखा, अमेजिंग लग रहा है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और इसके ज़बरदस्त से हमारे साथ स्टार्स मौजूद है, फिल्म के हीरो हीरोइन और ज़बरदस्त एक्टर आपको मिलवाती जाऊँ, माया अली और शहरयार मुनव्वर एंड शहबाज शिफ्री। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। गॉर्जियस यू आर एज एवर। ओह थैंक यू। सो टेल मी, कैसी ईद गुजरी और कैसी गुजर रही है? मुझे लगता है कि ईद हमारी जो है ऐसे ही गुजर रही है, और कभी हम लोग किसी जगह पर जाकर ईद की मुबारकबाद दे रहे हैं, और हम लोगों ने ये सोचा हुआ था कि बड़ी ईद का बड़ा तोहफा हम लेकर आ रहे हैं परहट लव, और बस प्यार मिल रहा अभी तो हमें लोगों से। आप जैसे सीन लोगों के साथ ईद गुजार रहे हैं, और क्या मांग सकते हैं? How sweet, and सबसे important चीज़, इतनी प्यारी इसकी ट्रेलर है शहरयार, एंड यू आर रॉकिंग अगेन इन इट, और आप दोनों जो एक ज़बरदस्त केमिस्ट्री नज़र आ रही है ना शहरयार माया, वाओ। तो पहले से क्या? थैंक यू सोफिया, वो सारा मेरा क्रेडिट जाता है। बर्दाश्त कर ले किसी भी तरह। तो बस अब ये हमारे जो प्रोड्यूसर है शहबाज शिगरी, ये बेचारे जो है, इनको मैं शिगरी शिगरी कहती हूँ, प्लीज आप तो ऑनेस्ट रहिएगा मेरे साथ, तो बेचारे वो फंस जाते हैं। शहबाज, यू आर एक्टिंग इन इट, और क्या इंटरेस्टिंग रोल है आपका, क्या ऐसी चीज कर रहे हैं? माय रोल इज, माय कैरेक्टर नेम इज हसन। हसन जो है वो है माया का फियांसे। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा वो आता है, सानिया का फियांसे। अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है, ये दिल के जज्बात हैं जो काफी टाइम से अंदर। तो सानिया का फियांसे है वो, तो वो उनके बीच में थोड़ा आता है, गिव्स शहरयार कैरेक्टर रन फॉर हिज मनी। तो दैट्स, आई कैन गिव, वी लव ट्रायंगल, वी आर डन विद योर लाइफ, रन फॉर हिज मनी, इट्स अ लव, इट्स अ बिट ऑफ अ लव ट्रायंगल। या अच्छा, तो यू आर शहरयार फिल्म के प्रोड्यूसर भी हैं, फिल्म बहुत की हैं, और माशाल्लाह यू आर वेरी वेल नोन, ज़बरदस्त एक्टर हैं। तो एक्टिंग के दौरान मैं पूछना चाहूँगी माया, कि प्रोड्यूसर पहले आता है या एक्टर आ जाता है, कि एकदम बड़े भाई बजट बहुत हाई हो गया, एकदम कुछ होता है कभी इस तरह ड्यूरिंग शूट? नहीं, ऑनेस्टली आई थिंक एक दफ़ा जब कैमरा रोल करता है उस वक्त तो एक्टर होता है, बट जनरली आई थिंक द प्रोड्यूसर रोल टेक्स, सबसे पहले वो प्रोड्यूसर रोल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज एज अ प्रोड्यूसर, एज एन एक्टर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपनी होती है, एज अ प्रोड्यूसर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी होती है। तो वो काफ़ी, आप कहते हैं ना, सेल्फलेस होना पड़ता है काफ़ी जगहों पे, एंड शहबाज जॉइंड अस इन द प्रोडक्शन टीम एज वेल एज अ प्रोड्यूसर, तो इनसे भी पूछ सकती हैं कि जब ये सिर्फ एक्टर थे तब ये कैसे फील कर रहे थे, और जब, और अब एज अ प्रोड्यूसर, और एक सवाल मैं आपको देती हूँ शहबाज के बारे में। हम लोग प्रमोशंस के लिए जा रहे होते हैं, तो जब जा रहे होते थे तो मैं कहती थी शहबाज क्या मतलब हर वक्त फ़ोन पे, क्योंकि शहरयार तो पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक फ़ोन पे। तो एक दिन मुझे कहते हैं शहबाज मैं एक्टर ही ठीक था, मैं एक्टर ही ठीक था। मैंने कहा आज क्या एहसास हुआ है? नहीं, फिर एक दिन हमारा कोई शूट था, तो उसमें अब शहबाज के जो प्रोड्यूसर थे वो तो कहीं घर छोड़ कर आ गए, तो शूट पे अब वो एक्टर की तरह एक्ट कर रहे हैं, तो कहते हैं आज मुझे मजा आ रहा है। I can understand, and Maya, मैं ये पूछूंगी, shooting हो रही है, शहरयार मुनव्वर and you, बड़ी जबरदस्त एक intense scene चल रहा है, और suddenly एकदम शहरयार के दिमाग में कोई producer तो नहीं आ जाता, ओए रुक यार ये क्या कर रहा है, यहाँ ऐसा कुछ हुआ? लेकिन आप कोई बात नहीं, आज दिल की बात, I really wish कि ऐसा कुछ होता, लेकिन इसी सवाल को एक और मैं सवाल देती हूँ कि शहरयार जब इंटेंस सीन हो रहा होता है तो मुंह ही नहीं लगा देते तो ये तो बात ही नहीं करते थे, क्यों? क्योंकि ये मेथड एक्टर है, अगर आपने उस सीन की डिमांड ये होती, जितना भी आप देखेंगे भी फ्री होकर हम लोग जाएंगे, तो उसमें ये था कि एक सीन में शहरयार और मैं, हमें लड़ना था,
तो शेरयार एक्चुअली मुझसे लड़ रहे थे और मिलियन के बदले लूंगी। मैं तो बात नहीं कर रहा था, इनको खुद ही शौक हो रहा था आके सवाल जवाब करने का। हाँ तो मैं पूछ रही थी मसला क्या है, प्रॉब्लम क्या है, खत्म करते हैं, स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, रिहर्सल्स करते हैं या लाइक वो सीन पढ़ते हैं, लेकिन नहीं बात ही नहीं करनी थी, कुछ हो गया था इन्हें तो बस मूड स्विंग्स। बहुत मजे की हीरो के मूड स्विंग्स हैं, मूड स्विंग्स ही थे वो। जनरली हर किसी का अपना एक मेथड होता है, आई थिंक इट वर्क्स फॉर मी। मुझे अभी भी याद आ रहा है कि उन एक्चुअली उन तस्वीरों में से हम एक तस्वीर देखे थे, एक सीन था हमने किया था जिसमें मैं बैठा होता हूँ, उनको मेरे इर्द गिर्द घूमना होता है। So you can't mention that scene, शहरयार मुझसे झगड़ा करके बैठे हुए थे। अब जब झगड़ा हो गया इनका मेरा तो सीन में भी बात नहीं करनी। अब वो इनकी एक सीन है जिसमें इन्होंने पगड़ी ऐसे करी ना, वो मुझे इनकी बांधनी थी तो अब मुझे इनके इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाने थे, तो मैं मुझे प्रॉब्लम हो रहा था। एक तो मैंने साड़ी इस फिल्म में पहली दफ़ा पहनी, लाइक जिंदगी में पहली बार साड़ी मैंने पहनी फिल्म में। मसला बेसिकली ये था, नहीं कोई साड़ी का मसला नहीं था, तो मैं इनके उसके बाद मैंने इनसे बड़े प्यार से कहा, मैंने कहा शहरयार आप जरा थोड़ा सा पाँव अंदर कर लो, मुझे मसला नहीं होगा, मुझे आसमान में कैसे बैठने के लिए। I was like, okay. अच्छा फ्यूडल आ गया था एकदम। नहीं नहीं मैं आपको बताता हूँ, पहले तो मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या था। एक तो वो मेरा कैरेक्टर था कि मुझे वो कैरेक्टर में बैठना था। दूसरी बात ये देखें, ऐसी एक्ट्रेसेस होती है दूसरों का सीन खराब करने वाली। दूसरा एक्चुअल मसला मैं आपको बताता हूँ, एक्चुअल मसला क्या था कि इन्होंने पहली दफ़ा पहनी थी साड़ी। अब ये चाह रही थी कि सब तारीफ करें सेट पे, सारे 100-150 लोग गिर जाए, माया क्या लग रही है आप, वाह क्या साड़ी है। ओके तो वो मैंने इग्नोर कर दिया। 150 में से 149 ने तो मर गए, एक नहीं मरा उस तरह। सच कॉन्फिडेंस देखिए आप, 150 में से 149 मर गए। चाइल्डहुड बचपन की ईद और बकराई फैसिनेशन होती है, पेट टाइप का पालते हो, टेल मी समथिंग कि आपका बकरा कैसा बकरा या कुर्बानी पहली थी। मैं नहीं कुर्बानी देख सकती आप नहीं, लेकिन बकरा खरीदने जाना या उसको घर में टेक केयर करना कभी हुआ? मुझे इनके ज़हन में क्या चला है, ये तो रोज बकरा पकड़ के घूम रही होती है कभी किसी को पकड़ के कभी किसी को पकड़ क्या मतलब प्रोड्यूसर आज लग रहा है आज मेरा दिन है। नहीं बचपन की बात होती। अच्छा बचपन की बात ये थी कि बकरे से तो मुझे अभी भी डर लगता है, और दूसरा ये कि कुर्बानी नहीं मैं देख सकती बिल्कुल नहीं। तो मैं छोटे होते अम्मा और बाबा से कहती थी कि प्लीज आप मेरे उठने से पहले कुर्बान कर दे, और इसीलिए मैं किसी बकरे से दोस्ती भी नहीं करती थी। मतलब नहीं, मुझसे नहीं देखा जाता। अच्छा। लेकिन अब शहरयार के साथ काम करने के बाद दिल मजबूत हो गया मेरा। हाँ। मैं बड़ी हो गई हूँ, सख्त दिल करना पड़ा मुझे क्योंकि मैं सख्त लौंडे के साथ काम ये तो आपस में हो गई बात, लेकिन कुर्बानी की बात मैं कर रही थी कि कुर्बानी आप तो पसंद नहीं है, कि डरती थी उस वक्त, और अब बड़ी हो गई है माया और कुर्बानी कर सकती है, अब तो देख सकती है। हाँ, लेकिन अभी इस एज पर तो हम लोग कभी कहीं जा रहे हैं, तो आई थिंक इतना टाइम ही नहीं मिला। अभी शहरयार के घर में एक दावत है हमारी, तो उसमें ओके दावत खास दावत खास। अच्छा शहरयार आप भी अपना कोई बचपन का वाकया बताएं, ये तो डरती थी कुर्बानी से, बट आप क्या जाते थे कुर्बानी खरीदने अब्बू के साथ, या कभी बकरे या दुम्बे या गाय, क्या बचपन रहा आपका? नहीं बिल्कुल, बचपन में ऑब्वियसली एक रिचुअल है तो साथ सारे साथ जाते थे, बट जनरली मैं कुर्बानी से दूर रहना चाहता हूँ। अच्छा, सो वो यू ऑल्सो अवॉइड के डर लगता है? एक्चुअली मेरी कोशिश ये होती है कि अब मेरी कोशिश ये होती है कि आप पे कर दो किसी को और वो आपके लिए कुर्बानी कर दें, तो इट्स अ रिलीजियस रिचुअल जो आपको पूरा करना होता है। बट लेकिन घर में वो जो हल्ला गुला होता था, जो फैसिनेशन होती है, कजन्स आते हैं, आई थिंक वो बचपन की बातें अब रह गई। हां तो बचपन वो छोटा वाला था, जब आप बड़े होते हैं तो हम सब आई डोंट थिंक फैसिनेशन। मैं बहुत मिस करती हूं उन दिनों को सोफिया, कि हम लोग बचपन में सबका आना जाना, ईद का पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन भी हम लोग मतलब सेलिब्रेट करते थे, लेकिन अब आई डोंट थिंक सो कि वो टाइम है, या हम बड़े हो गए हैं या पता नहीं जिंदगी। अब आप बिजी भी तो हो गए हैं ना माशाल्लाह, देखिए ईद के दिन फिल्म आनी है, उसकी एक एक्साइटमेंट है, और
फिल्म के बारे में शायद आई डोंट थिंक सो शिग्री आप भी बचपन के दिनों को याद करते हैं ईद के हाँ ऑफ कोर्स अब तो फैमिली थोड़ी स्कैटर्ड हो गई है लोगों के अपने बच्चे हो गए अपनी फैमिली बन गई हैं लेकिन एक वाकया मुझे याद है जो पहले पहली कुर्बानी हुई थी बकरा आया था आई थॉट कि कोई पेट आया कि घर पे अब ये पेट आ गया मैं अटैच्ड हो गया दूसरे दिन मैंने पूछा बकरा कहाँ गया वो तो आपने खा लिया तो वो मैं व्हाट व्हेन डिड आई वांट दिस ये बहुत जुल्म होता है मैंने बचपन में पाले हुए थे मुर्गे और मेरे मुर्गों के साथ ये हुआ था बिकॉज मेरे नाना जो थे उनको गार्डनिंग का शौक था तो उनके वो मुर्गे जाके जो है ना सारे प्लांट्स को खा जाते थे जो नए बर्ड्स निकलते थे तो एक दिन मैं घर आया तो चिकन कढ़ाई सामने मुझे सब मुझे ये बताएं कि आपको सर्दी तो बहुत लगती है माया और सर्दी के वक्त कभी कभी रोना भी आ जाता है माया को ये ऐसे होता है ना ये कभी टर्की नहीं गई मैं फोन करके नहीं लाया हूँ प्रॉमिस ठीक है नहीं बट है ना कुछ ऐसा ये तो है सर ओ यहाँ पे बैठी हुई मेरी टीम है क्योंकि मैंने समा में भी एक साल किया प्रोग्राम तो ये मेरे प्रोड्यूसर राव शायद भी यहाँ बैठे हैं तो इनके साथ भी मैं एक दफ़ा शो करने गई थी आई थिंक हम लोग सवाद गए थे कहीं गए थे तो वहाँ पर भी सर्दी थी और मैं इनसे कहती हूँ गाड़ी से नहीं निकलूंगी मैं गाड़ी से ही निकलूंगी कुछ भी कर ले मैं निकलूंगी नहीं तो सर्दी से मुझे रोना आ जाता है और सर्दी बहुत लगती है मुझे गर्मी बहुत लगती है अरे तो क्या सीन होता था कि गर्मी और सर्दी आपस में जब कभी सीन हो रहा है और गर्मी शदीद है और इंटेंस सीन है शहरयार मुनव्वर तो क्या हालत होती थी आप गर्मी इनसे बर्दाश्त नहीं होती हाँ। सर्दी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती हम दोनों को बर्दाश्त करते थे आसिम रजा हमारे वो सर पकड़ के बैठ जाते थे कि मैं करूं क्या क्योंकि इतनी सख्त सर्दी में एक इंसान ऐसे खड़ा है और मैं ऐसे खड़ी हूँ अब हमारा एक सीन है फिल्म के एंड पर भी आप देखेंगे तो उसमें भी यही था कि मैं सर्दी से मर गई हूँ खत्म हो गई हूँ और एक इंसान ऐसे खड़ा है मलमल का मजे में ऐसे मतलब क्या हवाएं आ रही हैं उस दिन बहुत टेस्ट हुआ था काफी मैं तो भाग गया था उस दिन अच्छा हाँ ये तो आप अंदर जाके बैठ गए थे सो हम लोग वी वर इन द मिडल ऑफ द ओशन और बड़ी शिप थी उसमें थे एंड ये पीक सर्दियों की बात है टर्की की और टर्की में बहुत ठंड होती है एंड इमेजिन कि आप मिडल ऑफ द ओशन है और ये था कि बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ फिल्म तो आपको ग्लैमरस लगना है तो ये एक टैंक टॉप में थी मैं एक मलमल के कुर्ते में था ठीक है और आना भी मुझे हीरो एक तरीके से था कि सानिया तो वो जब टेक में आया सानिया और हवा चल रही है और मैं हवा से और सानिया और मैं और मुझे इनके साथ मेरे डायलॉग्स थे और मुझे बोलने थे और मेरे ऐसे हो रहे लेकिन शहबाज क्या किया जाए वो सीन जरा थोड़ा सा माइम थोड़ा सा करके दिखा दोगे जरा लोगों को भी पता लगे आपको चाहिए गजरा बेच रहे हो यार ये सीन ठंड में पता बिल्कुल नहीं महसूस हुआ कंट्रोल किया एक दूसरे को और उसके बाद जाके मैं जाती थी अंदर कॉफी पीती थी फिर बाहर और फिर एक सीन था जिसमें वो ड्रोन वो जो कैमरा ड्रोन हाँ ड्रोन शॉट था तो उसमें कोई नहीं हो सकता मेरे अलावा और मैं थी या तो मुझे उठा लिया सीन करा आई एम गोइंग टू टेक शॉर्ट ब्रेक लेकिन उससे पहले मैंने पूछा है कि गाना कौन सा आपका फेवरेट है माया आपका कौन सा मेरा तो बलमा और बहकाना बलमा और बहकाना और आपका हाय दिल बेचारा हाय दिल बेचारा एंड शहबाज हाय दिल बेचारा ये बॉयज हाय दिल बेचारा परे हट लव मजे की गपशप चल रही है सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक और फिर और गपशप करते हैं वेलकम बैक सवा के मेहमान ईद स्पेशल में परे हट लव के जबरदस्त कास्ट मौजूद है और गपशप हो रही है मजे मजे की माया अली से शहरयार मुनव्वर और शहबाज शिगड़ी से अच्छा जी शिगड़ी जबरदस्त ऐसा ही एकदम शहबाज शिगड़ी मैंने कहा शहबाज तो साइड पे कर रहे शिगड़ी दबाव रहता है शिगड़ी
अच्छा बाकी कास्ट ज़ारा नूर अब्बास हैं, अहमद अली भट्ट हैं, नदीम बेग साहब हैं, फ़रिया अल्ताफ़ हैं, सोनिया जहान है, मीरा जी हैं, माहिरा खान है, माहिरा खान है, ओह माय गॉड, हमारे पास सब मसाले हैं, आपने सब मसाले डाल दिए, आपने कहा कि बस सब आ जाए, दिस इज़ द कमर्शियल मूवी, ज़ारा नूर अब्बास भी है और एक्चुअली वो इसलिए नहीं आ सकी, थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और हमने मैंने लास्ट ईद पे इंटरव्यू किया था, पूरी फिल्म में सबकी तबीयत साफ करके आज उनकी अपनी तबीयत खराब है, नहीं नहीं एक्चुअली वो इतनी अपनी फैमिली के पास थी यहाँ पर, फिर चांद रात तक वो हमारे साथ बेचारी प्रमोशन करती रही है, अब उनकी हिम्मत जवाब दे गई है, आपकी प्रमोशन जो है सबने मेहनत बहुत की है प्रमोशन में, जितनी फिल्म में मेहनत हुई आई थिंक उतनी ही, जैसे आप क्या कह रही थी उतने ही पैसे लेने जितने काम के लिए, अच्छा फिल्म की प्रमोशन भी उतनी मुश्किल है या फिल्म से ज्यादा, मुझे ये लगता था कि फिल्म की शूट ज्यादा मुश्किल है लेकिन प्रमोशन करते हैं मुझे लगा कि ये ज्यादा मुश्किल है, तो जितने लोग जितनी फिल्म एक्ट्रेस एक्टर्स ये देख रहे हैं शो, अगर उनको प्रमोशन के लिए कहा जाए तो उतना ही बजट लें फिल्म के लिए, नाइस, सो प्रोड्यूसर साहिबान जरा आप प्रोड्यूसर थोड़ा ये नया बेंचमार्क सेट कर लिया है ना, इग्नोर दैट लास्ट कमेंट, मेहनत होती है, ब्रेकिंग न्यूज होगी अभी सारी डिमांड करेंगे, शेरियार आपने भी तो काम करना है ना, अपनी फिल्म के अलावा भी तो करना है ना, तो बस नहीं देखिए सच्ची बात मैं आपको बताऊं, अगर फिल्में बननी होंगी तो हमें थोड़ा ख्याल करना होगा, साथ फिल्म के लिए सोचना होगा, प्रोड्यूसर बोला शेरियार के अंदर का प्रोड्यूसर बोला, अच्छा और शेरियार एक एक्टर के तौर पे जब आप कर रहे हो फिल्म तब तो आप सेम डिमांड करेंगे ना, नहीं देखिए सच्ची जो बात है फॉर फिल्म्स हम लोग इतने पैसे नहीं चार्ज करते हैं, हम एड्स पे चार्ज करते हैं क्योंकि इस वक्त फिल्म को सपोर्ट है, आपने खुद चार्ज नहीं किए इतने क्योंकि आपने सपोर्ट किया नहीं बोल दें, हाँ नहीं बट जनरली बिकॉज़ ये वाला पार्ट एडिट करें प्लीज, ये वाला आई एम टेलिंग यू गाइस ये वाला पार्ट नहीं है, व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, नो व्हाट आर यू डूइंग, अच्छा ये नहीं नहीं अच्छा शेफ बात करते हैं, माहिरा खान अगली दो फिल्में मैंने बाहर करनी, हां ये पार्ट प्लीज एडिट करें, माहिरा प्लीज, हां जी छुरियां नहीं चलाए आप है ना, बजट में छुरियां कर रहे हैं, हम सारों का बेड़ा कर रहा हूं है ना, कर चुके हैं, अच्छा शहबाज अपना रोल जो बताइए, इंटरेस्टिंग सा रोल है, फियांसे हैं आपकी और फिर उसके बाद माहिरा आती हैं, क्या है ये, क्या स्टोरी थोड़ी सी कुछ एलैबोरेट करेंगे, नहीं फिल्म आ चुकी है, फिल्म आ चुकी है, ये जो लोग जाना चाहेंगे तो जाकर टिकट्स लें और फिल्म देखें, फिल्म निकली हुई है, इट्स अ ग्रेट फिल्म, इट्स फैमिली होलसम एंटरटेनमेंट, सो आई थिंक एवरीवन शुड गो आउट एंड वॉच दिस मूवी, अच्छा फ़रिया अल्ताफ़ जो है वो बेसिकली ये राम और श्याम और सीता और गीता वाला सीन है, ठीक है ये जो है ये प्रॉपर परफेक्ट क्विंटेसेंशियल, मतलब उनसे ये वो वाले हैं जो हर लड़की का ख्वाब होते हैं, exactly. ऐसा ये यानी इनका कैरेक्टर, इनका कैरेक्टर, इनका कैरेक्टर, कैरेक्टर वैसे खुद भी हूँ मुझे पता था ये आना नेक्स्ट, ये अपने फेवरेट है एक्चुअली, वो भी अपनी फेवरेट है, ये भी अपनी फेवरेट है और ये भी अपने फेवरेट है, इन दोनों का स्टार मी फेवरेट है, मी फेवरेट, और ओह माय गॉड यार आप एक के बाद एक जो है ना, उनको एक सेकंड करने दे ना पहले, तो बताएं आप सब कुछ तो खुदा बोल रहे हैं, तुमको क्या कैरेक्टर, अच्छा मैं इस वक्त मैं व्यूअर्स को बताती जाऊं, दे आर वेरी सपोर्टिव एंड दे आर जस्ट होल्डिंग द हाफ ऑफ बर्डन कि सोफिया मिर्जा अकेली एक्टर ना करें, तो वो मेरा सपोर्ट बन रहे हैं, आई रियली रियली एडमायर यार, थैंक यू, आजा मौका मिला, माया तो बहुत अच्छी होस्ट भी रही है यार, तो अच्छा फिर शहबाज इसके बाद फिल्म की शूटिंग माहिरा भी हैं उसमें, फिर ज़ारा नूर अब्बास भी है और फिर उसके बाद अहमद भट्ट साहब, अहमद तो हमारे सेट की जो परे हट लव फैमिली है हमारी उसकी रौनक है, वो जब दूर से आ रहे होते थे ना सेट पे तो हमें पता चला था भट्ट साहब आ रहे हैं, और फिर भट्ट साहब की खास बात ये थी कि वो खाने के बहुत शौकीन है लेकिन वो खुद नहीं खाते थे, वो सबको खिलाते तो ये उनकी बड़ी अच्छी बात है कि और अच्छा खाना, ये नहीं कि कुछ भी खाना, अच्छा खाना, माया की आदत है और मुझे इस पे बहुत इसको लड़ाई भी होती है, अच्छा कि बिल्कुल ऐसे खाना नहीं खाती और स्नैकिंग करती है, चिप्स खा लिए, बिस्किट्स खा लिए, मसला ये होता था कि जब मुझे भूख लगती थी तो मैं सीन में होती थी, अब जब सीन खत्म होता था मेरी भूख मर चुकी होती थी, अब मैं क्या करती, ये बस सबका पेट पीव है कि वो जंक फूड नहीं खाते, वो कहते हैं कि अपनी अपनी भूख को बचा के रखो और अच्छा खाना,
खाओ हर दफा सही देख गए पकी हो सही निहारियां बनी हो वो वाला खाना मैं भी लाहौर की मतलब मैं तो लाहौर वालों को फिर खत्म है ना हां मैं सही फुल टू खाना नहीं 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 बिल्कुल नहीं मुझे खाना खाना बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे तो अच्छा कभी बिरयानी सिर्फ अम्मा के हाथ की बिरयानी सिर्फ अम्मा के हाथ की बिरयानी हां माया जब ऑर्डर करती है तो सब कुछ ऑर्डर करती है सब में सब चीजों में थोड़ा थोड़ा लेती है आई फील शी लाइक्स फीडिंग पीपल मोर अच्छा शहबाज अपना कैरेक्टर बता दें वो तो बीच में बार-बार हां तो मेरा कैरेक्टर माय कैरेक्टर जो हसन है हसन ही इज अ स्ट्रांग विल्ड गाय उसको वो अपनी कमिटमेंट्स अपने दिल पे रखता है तो व्हेन ही कम्स इन ही सॉर्ट ऑफ आप मुझसे बात कर रहे हैं आप इग्नोर दैट तो करने दो जो कर रहे हैं तो जो इनका चल रहा होता है मूवी में ऑब्वियसली वो सबको देखने को मिलेगा हसन जब आता है आ गया अच्छा फिर वो फिर आता है बड़ा सीन ही कम्स इन एंड ही काइंड ऑफ थ्रोस अ रेंच इनटू द होल okay romance that they're having okay acha romantic character hai aapka ya thoda sa stubborn type ka ladka hai nahi stubborn nahi hai he's a very romantic gentle hearted very compromising character okay aur shayad ka kaisa character hai matlab aap compromising hai thoda sa stubborn hai kya silsila aapke character ka ye romantic mera character I would say wahi dekhiye ye parallels hai bilkul शहबाज के कैरेक्टर और मेरा कैरेक्टर का डिफरेंस ही है कि मेरे कैरेक्टर को दिखाया कि वो थोड़ा सा अकड़ है इन द सेंस स्टबर्न इन द सेंस के उसके अपने मसाइल जो है वो उन्हीं में लगा रहता है ही इज़ अ लिटिल कमिटमेंट फोबिक उसको डर लगता है प्रैक्टिकल है प्रैक्टिकल नहीं है उसे कमिटमेंट कमिटमेंट से डर लगता है तो वो भागता है कमिटमेंट से एंड उस एक फेयर को लेके वो जिद करके बैठा हुआ है ऑन द कॉन्ट्री शहबाज का कैरेक्टर ये दिखाया है कि ही इज़ मोर इंक्लूसिव एंड वो He wants to commit. He's looking for that commitment. Family guy type. Na? Family guy. But so very nice. So और माया का वो जो character है वो प्यार हो जाता है. Is this the same commercial? Sorry, मैं इनकी बात एक करने जा रही थी कि पता है कभी भी किसी भी इंसान के साथ ऐसा नहीं होता कि उसको ये issues हैं तो हैं. शहरयार का जो character उनका नाम भी character name भी शहरयार है. उसमें जिसने कहते हैं कि इनको commitment phobia होता है तो I think वो बचपन में उनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ होता है या किसी भी इंसान के साथ जिसको डर लगता है तो उसके साथ कुछ ऐसा हुआ होता है इसकी बैक स्टोरी होती है तो यही चीज़ हमने फिल्म में भी दिखाई कि कोई इंसान पागल नहीं है उसको डर क्यों लगता है वो वो जरूर हाँ अच्छा गानों पे जब आते हैं तो माया यू डांस वेरी वेल अच्छा और बहुत हाँ मैंने देखा आपके वो जो ट्रेलर्स हैं तो ये 2 रुपए की ह्यूमिलिटी जो है ना कहीं और जाके दिखाना तुम्हें पता तुम कितना अच्छा डांस करती हो अस्पन अस्पन ये चलता रहता है ना सारा सीन मुझे दोस्ती ज्यादा है कि दुश्मनी ज्यादा मुझे लगता है ये प्यार प्यार की बात है सोफिया आप साथ नहीं दे रही ये यार मैं साथ मतलब वो बाया ने खुद करा और देखा ये 2 रुपए की ह्यूमिलिटी कहीं और जाके दिखाना अरे सोफिया मैं आपको क्या बताऊं इनको इतना ये दो जो है ना मैं आपको बताऊं नहीं इसने फंबल कहां मारे माया अब आप बताएं शहरयार को नवर ने फंबल कहां कहां किए लेट्स टॉक ये कर रहे हैं ये फंबल का बात कर रहे हैं मैं आपको बता रही बताइए आई से समथिंग मोस्ट ऑफ अ लॉट ऑफ व्हाट आई हैव लर्नड थ्रू दिस प्रोजेक्ट हैज बीन बिकॉज़ ऑफ दिस गाय ओके डेट वैसे की वैसे कम होते जा रहे हैं वाचिंग हिम बी अ प्रोड्यूसर वाचिंग हिम बी एन एक्टर इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस सच में मतलब सच में अच्छा कोई फंबल्स वाला कोई ऐसी लाइन जो फंबल हुए और बार-बार कर रहे हैं भाई क्या हो गया जुबान से चल रही है सोफिया क्लेरिफाई कर दे देखिए मैंने इसके बाद जिंदा भी रहना है नहीं रियली माया एक अमेजिंग डांसर है और जब इनके साथ मैं डांस करने खड़ा होता था तो मेरे हाथ कप कपाते थे जैसे अभी कप कपा रहे हैं oh क्या हो गया ये तो आधे रुपए की ह्यूमिलिटी हो गई अभी अभी मैं वो लास्ट में थोड़ा सा मैं कहूंगी रिक्वेस्ट करूंगी शो के एंड में आप थोड़ा सा वो जो लटका झटका है और वो जो कप कपाना है ना शहरयार का वो देखूंगी तो भी आपके प्रोड्यूसर ने कसम खा ली थी कि हम कुर्सी से ना हिले उन्होंने माइक लगा दिया कुर्सी के साथ आप उठेंगे तो साथ कुर्सी उठेगी आपके जाने से पहले मैं पकड़ के रखूंगी अच्छा माया तो डांस सीखा या क्या था माशाल्लाह बहुत अच्छी मूव्स हैं और बड़ा बड़े ठहराव है डांस में सो क्या सीखा है या यू जस्ट स्टार्टेड मुझे नहीं लगता कि ठहराव है क्योंकि ये आई थिंक आसिम की वजह से जो हमारे कोरियोग्राफर थे नेगा जी पहला दिन जो था हमारा हमने पहला गाना शूट किया था एक पल तो जो एक पल था उसमें तो समझ ही नहीं आ रही थी मैं क्या कर रही हूँ मतलब मैं गाने के म्यूजिक से 2 मिनट तेज चल रही थी अच्छा मैं स्टेप कुछ और कर रही होती थी और लड़कियाँ पीछे कुछ और शायद वो डर था कि मुझसे कुछ मिस ना हो जाए मैं बस जल्दी जल्दी कर रही थी उसकी बीट नहीं पकड़ी थी फिर आसिम ने मुझे बिठाया समझाया नेगा जी ने एक छड़ी रखी हुई थी जो मुझे पटती थी बाकायदा तौर पर फूलों वाली छड़ी नहीं नहीं बिल्कुल नहीं थी सही वाली पटती थी वो हमें
ये क्या कर रही हो, फिर हाथों की अदा, फिर आसिम ने कहा कि नहीं तुम्हारे अंदर जो एक लड़का है ना इसको ख़त्म करो, अंदर एक अदा लेकर आओ, फिर वो चलते चलते चलते, फिर मीरा जी ने जब एक पल हमारे साथ किया तो मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा रियली, क्योंकि मीरा जी जब आती थी और जब परफॉर्म करती थी और बस फिर मैं कहती थी ओके ये इस तरह से मुझे करना है, दैट्स द फन एलिमेंट। उसके बाद हमारा दूसरा गाना था जो हमने शूट किया था वो था हाय दिल बेचारा, उसमें सोनिया जहां थी, तो जब सोनिया जहां परफॉर्म कर रही थी तो मैं आसिम के साथ बैठी हुई थी मॉनिटर पे, और मैं हील्स के साथ डांस नहीं कर सकती क्योंकि एक तो आपने वो लहंगा पहना होता है, वो तो सोनिया जहां को मैं देख रही थी कि एक तो वो खूबसूरत खातून ऊपर से वो साड़ी पहनकर और हील्स पहनकर इतना ग्रेसफुल डांस कर रही थी, तो मैंने कहा अच्छा चलो ट्राई करते हैं, अब कल मैं हील्स पहन के करूँगी, और फिर कल जब मैंने हील्स पहन के किया नेक्स्ट डे तो मैं रो रही थी बैठ के, ओह माय गॉड, क्योंकि मुझसे नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा तो वो नहीं हुआ, तो बस आंसुओं के साथ मैं रोई, और बस फिर आई थिंक वो करते 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 कुछ ना कुछ अब सीख जाता है। चले बट इट लुक्स वेरी अमेजिंग ऑन स्क्रीन बाय द वे, एंड रिजल्ट्स यही है कि स्क्रीन पे क्या अच्छा आ रहा है, एंड यू एवरीबॉडी लुक्ड अमेजिंग एंड यू ऑलवेज लुक स्टनिंग। अच्छा जी मुझे ये बताएं शहरयार फंबल कहां किए, मैं तो वहीं वापस उसी पर, नहीं माया तो है कहीं शहरयार जी है, सब माया है, देखिए आप मेरी बात में सारे सब माया है। अच्छा फवाद खान का बताएं जी, फवाद खान हमारे जो है वो कहाँ पे आते हैं और किसको इसका दिल ले जाते हैं? फवाद खान साहब एक बहुत स्पेशल रोल के लिए आते हैं इन द फिल्म, जिस रोल के लिए हमें एक ऐसा इंसान चाहिए था कि जो सीन में आए तो वो अपने साथ बहुत सारा प्रेजेंस लेके आए, लार्जर देन लाइफ, नो डाउट। तो उन जब हमने सोचा तो फवाद खान साहब से आगे कोई सोच ही नहीं पाए, एंड बिकॉज ही सच अ गुड फ्रेंड एंड ही इज ऑलवेज बीन सपोर्टिव, वी कॉल्ड हिम एंड आसिम साहब की बड़ी दोस्ती है उनसे, एंड ही वाज नाइस इनफ टू कम। उन पे कोई सॉन्ग हुआ पिक्चराइज कुछ ऐसा? नहीं, उन पे गाना पिक्चराइज नहीं हुआ, लेकिन जो उनके ऊपर जो एक पूरा सीक्वेंस पिक्चराइज्ड है वो आई थिंक वो खुद ही एक शाहकार है। वाओ, दैट इज गोइंग टू बी द लाइमलाइट है ना। अच्छा मुझे ये बताइए, उनका डायलॉग देखा ट्रेलर में एंड में जो बोलते हैं जिस तरीके से कहते हैं कामयाब, नहीं मैं नहीं बोलना चाहूंगा, फवाद खान साहब ने बहुत अच्छा बोला है, नो डाउट, मेरी बोल के तो दिखाएं, मजाल ही नहीं है कि नहीं। माया और शहबाज आप प्लीज, शुक्रिया शहबाज, प्रोडक्शन एक्शन एक्शन एक्शन, कैमरा एक्शन और वो डायलॉग वो लाइन ऐसे बोलनी चाहिए, वो मूवी में देखेंगे लोग, और वो हो गई जिसने बोल दिया, लेकिन फिर भी बहुत से बड़े डायलॉग जो है कामयाबी का उसूल है लोगों को मजा कराओ छीना मत सिखाओ, मैं बोल नहीं सकता भाई, वो जबरदस्त फवाद खान साहब ने बोली है। और राइटर आपके हैं इमरान असलम, उन्होंने लिखा, और म्यूजिक जोन सा है वो अजान समी खान ने दिया। और एक बार फिर से रुकते हैं प्लीज, टाइट शॉट है, देखें जी सब माया है, सब माया है, कई फिल्म का नाम सब माया तो नहीं हो जाएगा, परे हट लव से मुझे लगा ये मेरी अगली फिल्म है, सब माया है, परे हट लव, दिस इज वेरी डिफरेंट, लोग तो कहते हैं लव स्टोरी, आई लव यू, लव वगैरह वगैरह, तो परे हट लव, अरे क्या है ये? नहीं परे हट लव, सभी आपको बताऊं, द आइडिया इज एक जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसको कमिटमेंट फोबिया है, उसको प्यार तो होता है लेकिन वो कमिट करने से डरता है, एंड आई थिंक ये एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हमारी यू नो मिलेनियल्स जो हम वर्ड यूज़ करते हैं वो जनरेशन का प्रॉब्लम है, कि हम किसी भी चीज़ को कमिट करने से डरते हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो, बट सबसे बढ़कर प्यार रिलेशनशिप, इवन दो इसमें बहुत हसीन खूबसूरत किस्म की बड़ी बड़ी शादियां हैं फिल्म के अंदर, जब आप जाएंगे एंड यू नो आपने सेट्स देखे होंगे हसीन किस्म के, आपने कपड़े देखे होंगे, आई एम श्योर जो खवातीन देख रही होंगी जिनकी शादियां आने वाली हैं, जो लड़के डांस करना चाहेंगे वो डांस के लिए देखेंगे, जो खवातीन कपड़े बनवाना चाह रही होंगी शादी सीजन से, जो सॉन्ग दिखा रहे हैं आपके जितने भी अच्छे, एक पल भाई जाना आपने देखा होगा शादी की मेहंदियों पे सारी जो ओकेजंस हैं, सो इवन दो बैकड्रॉप शादियों का है बट जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनका इशू ये है कि अगर आपने ट्रेलर में देखा है तो वो कहता है कि क्या ऑब्सेशन है इस कॉम को शादी का, तो सवाल ही है कि वाई शादी, एंड you know and that's the question that we tackle, and shaadi ke ilawa love pe bhi yakeen nahi hai, ha shaadi aur love pe usko yakeen nahi hai, it's never commitment wala to hai phobia ya nahi, love pe yakeen hai shaadi pe yakeen nahi hai isko, acha and pare hat love jo hai wo isliye wo pare hat love, theek hai, but over the course of the film usko ye andaaza hota hai ki zindagi mein agar love nahi hai to kuch bhi nahi, to kuch nahi hai, love nahi hai to kuch nahi hai, pare hat love, वेरी इंटरेस्टिंग इट सीन्स, और डेफिनेटली आप सब लोग जो देख रहे हैं और सुबह देखी होगी आफ्टरनून में, अब शाम को 7 बजे शो के बाद भी जरूर जाके देखिए, इट सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म, छोटी सी ब्रेक जरूरी है, मिलती है ब्रेक के बाद।
समा के मेहमान ई स्पेशल में सोफिया मिर्जा है और मेरे साथ मौजूद है परहट लव की अमेजिंग टीम। ईद जो है ईद है ईद और ईद का मतलब है फेस्टिविटी और फेस्टिविटी जो है अब आप मनाएंगे इंजॉय करेंगे। माशाल्लाह फिल्म जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है और हिट भी होगी सो इंशाल्लाह। तो उसके बाद क्या होता है फिल्म जो है आप लग गई उसके बाद घर में क्या हो रहा होता है? एक्ट्रेस का तो काम होता है घर बैठ जाएं और दूसरी फिल्म का इंतजार करें। प्रोड्यूसर का काम यह है कि पैसे गिने बैठ के और वेकेशन पे चले जाए। तो प्रोड्यूसर साहिबान आप प्लान कर रहे हैं वेकेशन? आपको क्या बोलने वाले थे कैमरा में? मैं कह रहा था सब माया है सब माया है। दूसरी फिल्म है ये दोनों प्रोड्यूसर्स बैठे हैं उस पे काम कर रहे हैं और उनको मेरा नाम बहुत अच्छा लगा ऑब्सेस्ड है मेरे नाम। और दोनों में से माया कौन करेगा? माया शिगरी करेंगे शिगरी माया करेंगे और ये वो सीरियल किलर होंगे जो माया को मारेंगे। मैं नहीं मार सकता मुझे बकरा ईद में कुर्बानी होती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये फिल्म जो है बहुत ही फन और बड़ा इंटरेस्टिंग साइज का मुझे लग रहा है और जो शूटिंग होती है आपको इसलिए लग रहा है कि हम तीनों एक्चुअली यहाँ बैठ के बहुत फन कर रहे हैं लेकिन सेट पे हमारा फन दूसरी तरह का होता था। हम लोग इंजॉय करते थे लेकिन इतना वही मैंने आपसे कहा ना बोलने का मौका मिला है जब हम काम कर रहे होते थे हम काम कर रहे होते थे अपने कैरेक्टर्स में होते थे। कभी प्रैंक किया हो एक दूसरे को? हमने तो नहीं किया। ज़ारा जो नहीं आई आज उसने किया था। अच्छा उसने जो प्रैंक किया था वो को बता नहीं सकते। ओके वो शायद यार बताएंगे अब आपको। मैंने कहा शायद सेंसर्ड है नहीं क्या था जनरली ज़ारा की आदत है वो बहुत हम सारे देखते हैं बहुत क्यूट सी हैं एंड शी सारों की प्यारी हैं तो वो अपनी जो एक उनका क्यूटनेस है उसको इस्तेमाल करके उनकी आदत है कि वो सबकी टांग खींचती हैं। अच्छा तो उन्होंने एक दफ़ा प्रटेंड किया वो और हमारे मेकअप आर्टिस्ट हैं अदनान अंसारी। आइडिया वैसे अदनान अंसारी का था ये हम लोग भावलपुर में थे जो एक बहुत पुरानी हवेली है 150 साल 200 साल पुरानी नूर महल में थे और वो 200 साल पुरानी महल है और हमारे साथ यूसुफ बशीर साहब थे और वो सबको ला के डेजर्ट से वो फूल तोड़ के ला के देते थे सबको। तो अदनान हाँ तो अदनान आए और उन्होंने ज़ारा को कोई आइडिया दिया और ज़ारा ने प्रटेंड किया कि उस किसी एक फूल से उनके ऊपर जिन चढ़ गया। और उन्होंने मतलब शुरू में लगा मजाक है लेकिन उन्होंने 1.5-2 घंटा कैरेक्टर तोड़ा ही नहीं सब एक्चुअली परेशान होना शुरू हो गई। हमारी प्रोडक्शन डिजाइनर्स जो डिजाइनर थी हिना खानी जो स्टाइलिस्ट थी वो दोनों आ गई मेरे पास के शरी एक्चुअली प्रॉब्लम हो गया है। अच्छा उनको ये नहीं लगा कि जिन चढ़ा है उनको लगा कि ये पागल हो गई है कुछ हो गया क्योंकि हम लोग पूरी भावलपुर में हम लोग आई थिंक 25-26 दिन थे और हमारी रात की शूट होती थी हमेशा। अच्छा तो बस हमें लगा या तो ये कुछ दिमाग पे हो गया तो बट उसने उसकी अच्छी बात की उसने कैरेक्टर बिल्कुल नहीं तोड़ा। नहीं तो वो जादू कैसे टूटा उनके मियाँ का नाम लिया? नहीं नहीं जब आसिम रजा आ गए खुद तो जादू सब भाग गए बोलती रही मुझे क्यों तोड़ा मैं तो अच्छा सही है मुझे क्यों तोड़ा। और वो जो हानी जो हमारी स्टाइलिस्ट है इस फिल्म की और है ना तो उन्होंने आके जितने फूल हमें मिले थे यूसुफ साहब से वो सब वापस ले लिए कि आप दे दो पता नहीं किसी और को जिन्ना चढ़ जाए। अच्छा तो वो फिल्म जो है ये तो बातें हो रही हैं ईद पे जो उनसी बात है बचपन की हमने बात की है ईद की बात की है अब आप बहुत बिजी हैं प्रमोशंस होती हैं तो घर में जो ईदी है वो ईद गुजारने का मौका मिलता है तो ईद कैसे गुजारती है अगर मौका मिलता है? ईद अगर मिलता मुझे मौका घर गुजारने का ईद तो मैं फैमिली के साथ गुजारती और खूब सोती इतना सोती कि चौथे दिन ही उठती फिर मैं इतना सोती है कि क्योंकि नहीं क्योंकि हम लोग आई थिंक ऑलमोस्ट 1 महीने से ज़्यादा प्रमोशन में बिजी थे और हम लोग सो नहीं पाए और कभी कहीं इंटरनेशनल हमारी प्रमोशंस भी आई तो अब अगर मुझे मौका मिलेगा इसके बाद तो फिर मैं सो जाऊँ। तो वो कपड़े चूड़ियाँ मुझे डिजाइनर सब कर लिया हमने ना प्रमोशंस में सब कुछ कर लिया मैंने कहा मुझे कुछ नहीं पहनना अब माया की जो है ना वो नींद होगी और शहरयार आपकी कैसी ईद होगी आपको तो जरा कुछ फैमिली को जाके देखूंगा फाइनली ये 2-3 दिन ऐसे कि इस पे इवन दो हम शायद काम कर रहे होंगे कर रहे हैं आज बैठे हुए हैं बट फिर भी थोड़ा बहुत टाइम मिल जाएगा जिसमें मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकूंगा और मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ उनको बिकॉज जब हम शूट कर रहे थे तो बिल्कुल उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सका। छोटे भाई हैं ना मेरे छोटे भाई हैं मेरी बड़ी बहन है जो फ्लाइन करती हैं एंड मेरी
मदर जो है वेरी क्लोज टू हर, उनको मैंने पूरे साल से नहीं देखा जब से फिल्म शुरू हुई. एक्चुअली ये टाइम एक्चुअली आंटी का शिकवा इनसे ये होता हमेशा कि शहरयार तुम मुझे टाइम नहीं देते, क्योंकि प्रोड्यूसर मोड तो एक साल से ऑन है, घर में आके भी कॉल्स फोन सब कुछ. माय गॉड, तो आंटी बस अब ये आपके होने वाले हैं. एक्चुअली ये मैं पूरे डेकेड जो है ना अपने सारे दोस्तों से और अपने सारे फैमिली वालों से माफी मांगना चाहूंगा कि ये मैं टाइम आपको नहीं दे सका, और इस ईद पे इंशाल्लाह हम लोग बहुत सारा फन करेंगे. जो भी मौका मिलता है मैं जाता हूँ वापस, सो आई कैन हैंग आउट. हमारी छोटी सी फैमिली, आई हैव अ यंगर सिस्टर एंड इट्स माय मॉम एंड माय डैड, सो आई वही करूँगा फैमिली के साथ. अच्छा लगता है फैमिली के साथ, जैसे बारबेक्यू है, खुद से कभी बारबेक्यू किया साथ में बैठ के? जाहिर है या आपने बींग मतलब ये शौक तो है कि का चम्मच हिलाया तो कहा ये तो मैंने बनाई है, सारा अम्मी ने किया होता है. हमारा वो एक बहुत मजे का एक छोटा भाई है मनोज, उसका नाम है मिक्की बोलते से, तो वो करता है ईद पे, और वो एक बहुत मजे का करता है कि दैट ही डिग्स, वो उसमें गार्डन में, मम्मी बड़ी नाराज़ होती है क्योंकि उनको गार्डनिंग का बहुत शौक है, बट उनके गार्डन में वो सामने जो है वो होल डिग करता है, उसके अंदर कोयले डाल के फिर उस पर स्लो कुक, और फिर इसको स्लो कुक करते हैं. नाइस, वेरी नाइस. वो हर दफा ईद पे होता है. लोकेशंस टर्की है, उसके अलावा पाकिस्तान में लाहौर, कराची, भावलपुर, मुजफ्फराबाद, इस्लामाबाद और कश्मीर. ओके, जी जी कश्मीर में भी. ओके, और कैसा रहा कश्मीर का? वहाँ पगडंडियाँ हैं, वहाँ पे भी दो जगह है, पीर चुनासी. खाना शाना जो है ऑन सेट चलता था और गाने शाने गारे होते थे, तो कौन मतलब गाना कैसा गा रहा था एक दूसरे को? कोई हमारे पास बेसिकली सिंगर्स भी थे, सिंगर्स भी थे हमारे पास, एक्टर्स भी थे और मॉडल भी थे. हमारे पास जिमी खान, जिमी खान जिन्होंने जिन्होंने गाना गाया हमारा हाय दिल बेचारा, और वो उन्होंने इस फिल्म में एक्ट भी किया. तो उसके अलावा रेचल भी थी हमारे पास, तो हम लोग जब फ्री टाइम होता था हमारे पास हम कहते थे बस अंताक्षरी शुरू हो जाओ. जनरली खाने पे बहुत मजा आता था, बिकॉज हम एक फैमिली की तरह ट्रैवल कर रहे थे, तो जो खाने का टाइम होता था वो एक बिकॉज बच्चा साथ थे तो वो बहुत एहतमाम के साथ खाना होता था, एंड हर किस्म का खाना होता था. एंड देन उस पर जब म्यूजिक होता था तो जिमी और रेचल तो थे ही थे, बट बट साहब कितना अच्छा गाते थे. अच्छा, हिना आपा इतना अच्छा गाती है. आई थिंक सभी म्यूजिकल थे, सारे टैलेंटेड. ऑनेस्टली माशाल्लाह माशाल्लाह सोफिया, ये जो फिल्म थी, फिल्म तो काम अपना चलता रहता है, लेकिन ये एक इस तरह की फैमिली बन गई हुई है कि ट्रस्ट मी आ गई फिल्म, सबने देख ली. इवन जब हम लोग पहली बार फिल्म देख रहे थे तो वो जो इमोशंस थे मेरे, वो मैं कंट्रोल नहीं कर सकी थी. मुझे लग रहा था कि बस अब ये सफ़र ख़त्म हो गया क्या, ये जो जितना हमने रोए हंसे वो सब कुछ जितना हम आपको बता रहे हैं, इसीलिए बता रहे हैं कि अब रिलैक्स हो गए हैं, अब सब ने देख लिया है काम. लेकिन अब आई डोंट नो आगे क्या होता है, सब लोग इधर इधर अपने रास्ते में चले जाएंगे, लेकिन इस तरह के रिश्ते जो आपको सेट पर मिले और ऐसे दोस्त जो आपको सेट पर मिले, आई डोंट थिंक सो कि ऊपर रेड लव के अलावा कहीं मिलते होंगे. तो माया ड्रामा किया, अब फिल्म कर रही हैं, दूसरी फिल्म में माशाल्लाह. और क्या फ़र्क क्या था फिल्म और ड्रामा में? बहुत फ़र्क है. क्या ड्रामाज में आपको एक लिमिट में काम करना पड़ता है, लेकिन फिल्म लार्जर देन लाइफ होती है ऑब्वियसली. जैसे आपने कहा डांस किया है, तो वो तो ड्रामा में मुझे मौका नहीं मिलता था. और फिल्म की एक्टिंग, मुझे लगता था कि एक्टिंग तो एक्टिंग होती है, वो तो एक ही तरह की होती है, पर फिल्म की एक्चुअली डिफरेंट होती है. कुछ मैंने अली से सीखी, सर एसन से सीखी, और जो कुछ बाकी रहेगी तो मैं इनसे, क्योंकि ये तो मुझे कहते थे माया बीट बीट पे करो, तो मैं कहती बीट क्या होता है, ये क्या होता है बीट, वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इनको देखने के बाद पता चला कि बीट क्या होती है. इवन जब मैं डबिंग करवा रही थी तो शहरयार ने मेरी और इवन बाकी एक्ट्रेस की भी इन्होंने डबिंग करवाई, तो एक एक सेकंड तो मेरे जहन में आया कि चार फिल्म्स की हैं, पांच की हैं, मतलब डबिंग पे आ गए हैं, अब करवा रहे हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, सब हो गया, अब क्या रह गया. लेकिन इस फिल्म में डबिंग करने के बाद मुझे लगा कि वो भी काम है, एंड थैंक्स टू यू शहरयार. ऑनेस्टली ये बहुत मुश्किल काम है, और शहरयार छोटी छोटी बीट्स जो थी उनको करवाते थे कि माया ऐसे करो ऐसे करो ये चीज़. तो आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा है मैंने, बहुत कुछ, और बहुत खूबसूरत मैंने रिश्ते भी बनाए. आई थिंक सबका क्रेडिट मेरे उस्ताद, आई मीन हमारे उस्ताद, हमारे उस्ताद आसिम रजा साहब को जाता है. ही इज यू नो, हम सारे वी ऑल वर्कड विद हिम, आई वर्कड विद हिम एज एज AD, आई वर्कड विद हिम एज एज प्रोड्यूसर, आई वर्कड विद हिम एज अ पार्टनर इन हिज कंपनी.
So I've, you know. He's very creative. और ads में तो मैंने उनके साथ काम किया हुआ था, लेकिन he is amazing. जब आप देखें film का canvas देखें. But creative side. As director, film में film director कैसे? But you know, apart from that, Sophia, I would like to take this time to say कि आप फिल्में तो देते हैं, फिल्मों के अलावा इंडस्ट्री को क्या देते हैं? कितने डायरेक्टर्स ने डायरेक्टर्स दिए इंडस्ट्री को, कितने डायरेक्टर्स ने एक्टर्स दिए इंडस्ट्री को? आई वुड से मायसेल्फ इंक्लूडेड, आसिम्स एडीज, हर उनके एडी ने खुद जाके डायरेक्ट किया है आगे. उनके उनके प्रोड्यूसर्स ने खुद प्रोड्यूस किया आगे जाके. उनके 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 स्टार्ट जिन एक्टर्स को उन्होंने स्टार्ट दिया, उन्होंने जाके पूरी इंडस्ट्री को हिलाया. वेरी ट्रू. सो so that's a very important thing about him. ये करने के लिए आपको बहुत secure किस्म का इंसान होना पड़ता है. So उम्मीद है. Sorry, आसिम की खास बात ये है कि आप वो आपको किसी चीज़ से रोकते नहीं हैं. अगर आप कुछ करना चाहते हैं, वो आपको पूरा मौका देते हैं कि करो. अगर ये चीज़ नहीं भी ठीक, मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा, लेकिन तुम जो करना चाह रहे हो वो करो. तो आप जब एज एन एक्टर आप उनके पास जाते हैं तो आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं उस प्रोसेस में. वो कंफर्ट लेवल देते हैं कि आप जैसे करना चाह रहे हो. बहुत ज्यादा. एंड देन ही टेल्स यू कि मैंने कैसे कहा था. प्रोजेक्ट खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि आसिम ने कहा कि ओके भाई खत्म हो गया. आसिम आप पे आसिम आपसे पूछते हैं कि अच्छा अब नेक्स्ट क्या करने जा रही हो. आप कुछ भी पूछें आपको बताएंगे, आपको समझाएंगे. तो ये बहुत कम लोग हैं इंडस्ट्री में हमारे जो ऐसा कर रहे हैं. सो आपकी फर्स्ट फिल्म है शहबाज? इट्स माय फर्स्ट कमर्शियल फिल्म. यस रियली. और इससे पहले आपने ड्रामास किए? ड्रामास नहीं करे. इससे पहले फॉर द पास्ट 6 or 7 years I've been directing music videos and commercials, and then usse pehle ek movie kari thi maine 2010 mein Slackistan ke naam se, independent film. So this was my first commercial film. Okay, so how was your experience working as an actor with Asim? Asim is the kind of director that you can blindly put your faith in him to, and you know that jo bhi wo aapse karwayenge it's going to be amazing because he's that kind of no guy. Wonder he's going to get your best out of he's going to get the best you that you can be. No wonder. Not and just it's his name Asim. He'll do it in a way where it translates in your real life also, in your personal life. Very true, very true. Challenge ji, bahut 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 Allah taala kare ki bahut hit ho, and we show all the bestest luck. और हमारी इंडस्ट्री जो है यही खूबसूरत फिल्म्स हैं. आप सब लोग थैंक यू माया, थैंक यू शहरयार, थैंक यू शहबाज चिगड़ी, थैंक यू सुभाष जी, सो थैंक यू सो वेरी मच. गॉड ब्लेस यू. और विशेस हैं इनकी फिल्म हिट हो जाए. परे हट लव सीम्स वेरी इंटरेस्टिंग मूवी. आप जाइए, घरों से निकलिए, एंटरटेनमेंट है और फुल कमर्शियल मूवी है परे हट लव. गो वॉच इट. और एक पैगाम मेरा सोफिया मिर्ज़ा का आपके लिए कि मोहब्बतें बखेरें और कुर्बानियाँ जो ये दे रहे हैं हम, इससे सीखें कुछ. जजमेंटल ना हो और नेगेटिव ना हो, बी पॉजिटिव. अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और खुश रखिए. सोफिया मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए समा के मेहमान में. अल्लाह हाफ़िज़.